ये जो मिठाई लेके आए हैं जय, जय हाँ अगर इसमें मिठाई में एक पीस कम निकला है इसमें से, एक पीस कम है उसमें, मैंने चेक किया डब्बे में, जी, मैंने तो वजन के हिसाब से नहीं जी, मैंने नहीं पेनल्टी जो भी है, लेकिन इसकी पेनल्टी तो लगनी चाहिए। लगनी चाहिए। हाँ कितनी बिल्कुल, लगाएं? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए एक पीस की, हाँ मिठाई का पीस है ना, एक मिठाई का पीस का अगर कम निकला 10 लाख रुपए। इतना यही मतलब सोने का वो लगा हो। नहीं, सुने, अगर अगर बिस्किट का एक पीस कम निकले बिस्किट के पैकेट में, उस पर 1 लाख रुपए की पेनल्टी लग सकती है, तो हाँ मिठाई पे 10 लाख की नहीं लगनी फिर चाहिए, तो नहीं लॉजिकल। जी, मैं 2 पैकेट ले आऊंगा अगर उसमें से बाद एक लाख में मुझे मिले तो यहाँ भी बिजनेस देखो बोले एक्स्ट्रा दिमाग लेगा ऐसे ही चलता है, तो गजब, मतलब वो क्या है, करेगा मतलब लेगा। खतरनाक दिमाग एकदम जाएगा बिजनेस के मामले। और अगर आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो मैं बिना फैक्ट फिगर्स के कुछ बोलता नहीं। तो बिस्किट के पैकेट में एक बिस्किट कम निकलने पे 1 लाख रुपए लग सकते हैं, विश्वास हो रहा है आपको? नहीं हो रहा है? चलिए नुपुर हमारे साथ है पूरी डिटेल्स लेकर बताने के लिए। नुपुर क्या हुआ बताइए जरा। बिल्कुल सर, आईटीसी से जुड़ा मामला है। चेन्नई के एक उपभोक्ता ने केस दर्ज कराया था, बिस्किट का पैकेट जो सनफिस्ट मेरी लाइट होता है उसमें 16 बिस्किट की जगह 15 बिस्किट निकले, अच्छा और वो डॉग्स को खिलाते हैं जो स्ट्रीट्स पे रहते हैं उनको, उन्होंने मामला दर्ज करवा दिया। अच्छा उनका कहना है कि एक बिस्किट कम है, 75 पैसे का एक बिस्किट होता है, जिसके चलते कंपनी काफ़ी धोखाधड़ी कर रही है, और वो उपभोक्ता के कंज्यूमर कोर्ट में चले गए और वहाँ पे ये मामला दर्ज हुआ। कंपनी का भी बयान है इस पे सर, उनका कहना है कि हम नंबर ऑफ बिस्किट से नहीं वजन से वजन से करते हैं, तो 76 ग्राम का एक पैकेट होता है, पर जब ये चेक किया गया तो इसमें 15 बिस्किट थे तो 74 ग्राम ही निकला, अच्छा 2 ग्राम कम निकला, दो ग्राम कम निकला, इसलिए उनके ऊपर पेनल्टी लगी। मुआवजा दिया गया जिसने अप्लाई किया था उपभोक्ता में, चेन्नई के एक पर्सन है। नहीं, कितने खाते रहेंगे ये बिस्किट पूरा पैकेट? हाँ जी, पूरा दस पैकेट रुपए का होगा, 12 रुपए, 10-12 रुपए का पैकेट है। दो चीज हो सकती है ना, ये कंपनी की सेल्स तो बढ़ेगी अभी, तो अगर ये लिस्टेड प्लेयर है तो इसके शेयर्स खरीद, आईटीसी हाँ, तो बस तो अनिल जी, तो इसके इसलिए बढ़ रहे हैं अनिल जी, देखिए क्योंकि अभी सब लोग 10 10 कॉल बिस्किट खरीदेंगे, सोचेंगे अरे एक कम निकला तो मुझे लाख रुपए ये देखो यहाँ भी बिजनेस मॉडल ले जाएगा जी, इसलिए डेज आई मान कुणाल जी का जाए जरा एक बार, सारे एक्सपर्ट को लेकर आए, पता चला स्टोरी इतनी ज़बरदस्त है कि मतलब एक बिस्किट आपका कम निकले 1 लाख रुपए की पेनल्टी लग सके। कुणाल जी कहाँ सुना तो होगा ना आपने, 2 ग्राम बिस्किट की कीमत तुम क्या जानो कुणाल बाबू? नहीं जी, सुन तो अनिल जी वैसे बड़ी रोचक है, लेकिन अनिल जी मुझे एक बात बताइए, ये कैसे पता है कि खुलने के बाद इतना ही निकला है? अनिल जी, अनिल जी कोई फॉल्स क्लेम भी तो कर सकता है कि इसमें कम निकला है, अनिल जी कैसे प्रमाणित होगा कि इतना ही निकला है? अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं आप? अरे बाबा, बाकायदा अदालत का फैसला है ना नुपुर अदालत सा, हाँ कोर्ट से आपके, हाँ कोर्ट से आया है, मद्रास की कंज्यूमर कोर्ट ने फैसला दिया है, बिल्कुल तथ्यों को जांच परख कर, और बाकी भी मंगाए होंगे ना, अच्छा। ऐसा थोड़ी खाली नुपुर के पैकेट में ही एक कम मिलेगा बिस्किट या जय के पैकेट में 2 एक्स्ट्रा डाल देंगे, ऐसा नहीं हो, सबके अंदर ही सेम ही निकला होगा, बैच नंबर है, पूरा बैच नंबर वगैरह जो है, तो ये तो बिल्कुल तथ्यों पर आधारित है, तो एक बिस्किट कम होने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना, काश ऐसा मौका हमें भी मिले खरीदने का, चलो अभी खरीद कर आते हैं, प्रोफेसर काउंट भी करना पड़ेगा, काउंट भी करना पड़ेगा बिल्कुल, ये तो सोचो दूसरों के खाने वाले आदमी ने गिने, खुद के खाने वाले होते तो ये तो कुत्तों को नहीं, सॉरी डॉगीज, कुत्ता मत बोलो भाई, डॉगीज, हाँ दीप भी हट हो सकता है, डॉगीज को खिलाने वाले जो है उनमें भी एक कम निकल गया तो लोगों ने गिन लिया। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई है नुपुर, तो ये है आईटीसी पर एक बिस्किट कम होने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना।